जितनी ज्यादा नमी बुजुर्गों का कॉल आ कि कपाह के उत्ते सोने का भी बारिश सोने की भी कनी ना पवे। अच्छा ये बाज लोग आखते हैं कि जी बारिश हो गई तो वाइट फ्लाई का प्रेशर टुट गया, थ्रिप्स का प्रेशर टुट गया, वक्ती तौर पर नज़र आता है क्योंकि पत्ते साफ हो जाते हैं, लशपश हो जाती है, लेकिन इन द एंड दो तीन दिन बाद फिर कॉटन के उत्ते उनका नुकसान ही नज़र आता है। जिमें हालिया बारिश हुई लोग बहुत खुश हो कि जी बारिश हो गई, हर बंदे की खुश दिल की ख्वाहिश है क्योंकि बिजली भी नहीं आ रही है, नहरा बंद, सारा हिसाब किताब के चलो अल्लाह ताला दे तरफों अल्लाह ताला को रहमत दी बारिश हो सी। बारिश हुई लोगों का बड़ा नुकसान होया, तो इस गल तो तुसी अंदाज़ा ला लो कि इनू ड्राई वैदर चाहिए, जो मल्टी एरिया मांद वाला एरिया हो गया या जिमें मक्की वाला एरिया हो गया जिते बहुत ज़्यादा मक्की काश्त होती है इर्द गिर्द, साडा जिहड़ा यह ब्लॉक है जिन्होंने असं वेखन आया से इहदे चारों तरफ उस टाइम मक्की आई। ये मैं आधा मुशाहिदा देना कि जिस वेले मैंने विजिट करा सर चारों तरफ इन्हें मक्की उस टाइम खड़ी है, मक्की की हारवेस्टिंग भी कुछ हो रही है, कुछ खड़ी भी आई, कुछ सैलेज भी बना रहे हैं गुजर साहब। मैं हाफिज साहब को आख्या कि जी है बड़ा खतरनाक एरिया जो डिसाइड किया, तो मैं समझ नहीं आ रहा इन्ना खजी नहीं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाए, लेकिन हम थोड़े सामने कि इतने हाई यह जो सीजन गुजरा है इन्हें 14 मार्च में टेंपरेचर इंतहाई एक्सट्रीम तो चला गया, तीसरे महीने की 14 तारीख में साडे कोलों तकरीबन डाटा असी थोड़ा ज़्यादा कलैक्ट कर लैंदे आ आम फार्मर के हवाले नाल क्योंकि सानू थोड़ा जिहा ज़्यादा होंदे वास्ते जरूरत होंदी। 14 मार्च तीसरे महीने की 14-15 तारीख में इंतहाई हार्श टेंपरेचर हो गया, बहुत ज़्यादा टेंपरेचर होया जिहदी वजह नाल मक्की भी डिस्टर्ब हुई, कपाह जिहड़ी लगी हुई है वह भी बड़ी डिस्टर्ब हुई, कोई इतना ज़्यादा मज़ा ना आया फसलों के हवाले नाल। हालिया भी जिहड़ी पोजिशन चलती पई है वह भी कोई इतनी अच्छी नहीं चलती पई, किसी टाइम कपाह के उत्ते वेल्ट आ जाती है, किसी टाइम कपाह लाल हो रही है, किसी टाइम वाइट फ्लाई का प्रेशर नहीं टुट रही है, काफ़ी सारे फार्मर आते हैं। हुण आपां गल नूं होर मजीद कंकलूड या करिए कि ड्राई वैदर दी तां असीं डिस्क्राइब कर दिता वो अल्लाह ताला दा निज़ाम है जी, इंसान के हाथ च नहीं है, आपां ये कर सकते हैं कि आदि थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट दवाइया नाल ते कैमिकल नूं कपाह दे उस हवाले नाल आपां उन्हूं लैके चलीए कि जिस हवाले नाल कपाह नूं आपां मक्की दे अंदर कमान दे अंदर इन्हां एरियाज़ दे विच आपां कपाह नूं कामयाब कर सकीए। दखन चलावना अपने इख्तियार च नहीं, ये नहीं आख सकते आप नाल वाले बन्ने वाले भाई तेनों मक्की नहीं बीजन देने, तेनों कमाद नहीं बीजन देने, गवर्नमेंट जोनिंग करे वो भी पॉसिबल नहीं, तो लिहाजा इसे हालात के आप कपाह किमें कामयाब करनी है इस हवाले नाल थोड़ी जी गल मैं थोड़ी तहमीद इस वास्ते बनती ताकि लोगों को गल समझ आ जाए। अच्छा जी, इस मौसम के इधू बिधू मक्कियां होवन या कमाद होवन के कपाह किमें काश की जाए या किमें होता इनू टेक्निकल तरीके आख सकते हैं कि तुसी आदि जिहड़ी मैनेजमेंट है या जिहड़ा आदा हिसाब किताब है उन्हों इस स्किल्स दे इस हवाले नाल तुसी इनू बनाओ जो तुहानू सारा सिस्टम हो जाए। हुण मैं हफीज़ साहब की दोबारा मिसाल दसा कि नज़र आ गया कि टोबे दे विच बहुत ज़्यादा फंगस का अटैक आता तो फजेरियन वेल्ट आती है, लिहाजा अगले साल अगर उत्थे कपाह काश की जाए तो इस ते नज़र रखी जाए, चैक किया जाए फंगस तो जितना मेरे को टनल फार्मिंग है इस टाइम 60 से 62 एकड़ से टनल फार्म भी करने सर्दियों के विच सानू एक टर्मिनोलॉजी आखी जाती है कि जी प्रीकॉशनरी स्प्रे करो बीमारी तो पहले जड़ा है ना। अच्छा एक स्प्रे है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इतना महंगा स्प्रे नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी कोबाक्स के नाते सवाद भी दे रही है तो 2300 रुपये 2400 रुपये का वो मिल जाता। अगर तुम 2400 रुपये का एक किलो फ्लड कर देता है तो तकरीबन तो सुकून मिल गया, तकरीबन 85% तो सुकून मिल गया नाल। एक और मैं सवाल तो थोड़ा तंग कर रही हूँ कि मेरे को बाकी सारा भी ऑरेंज भी दे रही है, फोर भी दे रही है, लेकिन सवाद वाला साडा एक्सपीरियंस गुजरा वो ज़रा अच्छा है, उनकी क्वालिटी बेहतर है। वो एक प्रोडक्ट दे रहे हैं AR1 के हवाले नाल, AR1 उनका ना है, उनके भी कॉपर हाइड्रोक्साइड भी दिता गया, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी दिता गया, ये मिक्सचर है, इनू भी करते हैं, उत्तू फॉलियर कर सकते हैं, उनका भी अच्छे रिजल्ट है इनके उत्ते हालिया जो सिनेरियो चल रही है। इस गल नूं होर थोड़ा जिहा प्रिसाइज करिए, थोड़े होर छोटे लैवल ते चलिए तो हुण आपां मुड्डू शुरू करिए कि कपाह नूं की कीता जा सकता जिहदी वजह नाल आपां बेहतर उन्हूं कपाह दी सूरत हाल बना सकदे। सब तो पहले आ गया जी जमीन की तैयारी ते बीज का इंतखाब। जमीन की तैयारी के हवाले नाल बहुत सारिया गल्लां जी, चेजा लाल चलाओ, ये करो, वो करो, बीज इतना महंगा है, सारे मामला ते हर चीज़ नूं मद्देनज़र रखा जा सी, ये नहीं आखा जावना कि जी राजे ही मारी जाओ, ये कर दियो, वो कर दियो। सर जी जितने काम तू काम अच्छे तरीके नाल तुसी बेहतर जमीन तैयार कर सकते हैं इन्हें दसन की कोई जरूरत नहीं, सारे ही जिम्मेदार हैं, उन्होंने पता है कि असं किड़े तरीके नाल बेहतरीन जमीन तैयार कर सकते हैं तो घट तो घट खर्चे नाल कर सकते हैं। अगर अज असी उन्होंने फरोलन बह रही है तो वो बड़ा मुश्किल टास्क है, हर जिम्मेदार आधे कुवत आधे वसाइल आधे मुताबिक आधे हिसाब नाल जमीन तैयार करे, बेहतर तो बेहतर जितना कर सकता है वो करे। उस तो बाद आ गया जी बीज का इंतखाब। बीज के इंतखाब के हवाले नाल गल है कि जी तुसी आधे एरिए दे हवाले नाल या आधे एरिए तो इलावा भी हट के इनू के आदि तबीयत के हवाले नाल भी
एक तो होंदा ना जी एरिया, एक होंदी है तबीयत। तबीयत दे हवाले नाल भी तुसी सीट दा इंतखाब करना। तबीयत दे हवाले नाल कीवें सीट दा इंतखाब करना। कुछ लोग बड़ी जल्दी आले होंदे ने, आंदे ने जी असीं 100 दिन च फसल कंप्लीट करनी, 120 दिन च फसल कंप्लीट करनी। मेरा आधा पिछले साल का ट्रायल है, असी 34 मन 12 किलो लिया। पूरे पंजाब के साथ हाई डेंसिटी का ट्रायल है, असी 52 खेल खेली, 8 एकड़ का साडा प्रोजेक्ट है, असी कामयाब किया। लेकिन साडे नाल मतलब असी उन्होंने अगर भी चला सकते हैं, लेकिन असी उन्होंने डिस्कार्ड किया कि साडा प्लान यह कि असी वो ला के तू 15-09 ला सै। असी 15-09 के उत्ते 5 अगस्त को लाया, साडा 52 मन 15-09 होया, 34 मन साडा नरमा होया। असी बड़े मुतमईन बड़े खुश होया। हर बंद आदि तबीयत के मुताबिक वरायटी सिलेक्ट कर सी कि मैं कि वरायटी आदि मैनेजमेंट दे हिसाब। कई आखसन जी लम्बी शाख वालिया दे दियो, उच्चे कद वालिया दे दियो, कई आखसन जी मुडू गोगड़ा चावे। ये सारिया सिलेक्शन जोड़िया तो आदि मर्जी करनिया। असी कुछ भी ऑर्बिट सीट के हवाले या हाफिज साहब न डिस्कस कर सकते हैं कि सानू की करना चाहिए। तुम जो भी सू आदि ख्यालात का इजहार कर सो, असी उनके मुताबिक तो जी वरायटी है प्रैफर कर दी सै कि जी आए लाओ जी जी सर। अगे आने वाले सालों के लोग कह रहे कि असं सिंगल फो खेल से कार्डन लाना चाहते हैं, अगर ये मुताबिक तुम्हें कोई मालूम है तो भी थोड़ा शेयर कर देना सर। एक 2007 या 5 जिस बीटी 121 लगा वो असं सिंगल खेलते ही लाते हैं कि एक साइड से ला देंगे असं चढ़दे वाली साइड से, तो एक साइड तो बाद रेजर मार दिया से तो इधर मिट्टी चाह के ये ला देंगे असं। वो तो जाना 2.5 फुट दवाया। अगर तुम उस बारे के हवाले गल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है कि रे डबल बैड की बजाय एक साइड से सिंगल बैड लाओ। उदिया खेल अं शमालन जनूब नहीं निकलदियाँ, मशरक मगरब निकलदियाँ, तो इधली साइड से लग जाता है सारिया इधली इधली साइडा से, तो कमांड वाली खेल निकलती है जी, छोटी 84 खेल निकलती है। तो इधर मिट्टी चाह के इधर ला देंगे असं, पहले रेजर मार दिया से मिट्टी बराबर हो जाती है, फिर उन रेजर ना खेल भी कर लेंगे असं, कोई मसला नहीं। नहीं इधली मिट्टी इधर चाह के इधर भी ला देते से, जिम्मे मक्की सिंगल खेलने लगती है वो भी बेहतरीन हो जाता। अगर वो है तो वो तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अगर उसके अलावा तुम आखो कि सिर्फ असं 7.25 फुट से लावनी है तो वो मेरा ख्याल है वो तो बहुत मुश्किल है, वो स्प्रे करना बहुत मुश्किल है। अच्छा उस तो अलावा सर जी वरायटी की सिलेक्शन के बारे में मैं अर्ज कर दिता है कि तुम ख्यालात का इजहार कर सो, हाफिज साहब और रहनुमाई करते सर। अगर तुम आपके दिल के मुताबिक लावना चाहते हैं जी बिस्मिल्लाह। पानी की कमी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, पाकिस्तान के हवाले आ रही है। सतलुज सुखा पिया, नहरों से पानी कोई नहीं। शहबाज शरीफ साहब भी आख रहे हैं, महकमा नहर भी आख रही है, अपन भी पता है जिम्मेदार है पानी के हवाले। हर कोई आदि एरिए मद्देनज़र रखते हुए वरायटी सिलेक्ट कर सकता है कि जी मैं की करना चाहिए। बिजली के हालात मुताबिक वो थोड़ी आदा जी जो भी सूरत हाले जी साडा तुहानू रहनुमाई करना मकसद है। साडा मकसद यह नहीं है कि किसी बंदे नू मुश्किल च पा दे, भी असी तां गल सुन के तुहानू रहनुमाई कर सकते हैं कि किस अच्छे तरीके नाल तुहाडी कपाह जिहड़ी है। अच्छा फिर एक बड़ी जबरदस्त है कि तुसीं हर बंदा आंदा कि जी मेरी 100 मन हो जाए, 80 मन हो जाए, 70 हो जाए। गल यह है कि जी 70 मन 100 मन 80 मन उस लैवल से आपां अजे तक मुड्डू तो शुरू करिए। मैं आप बीटी 121 वाले टाइम से बहुत अच्छी कपाल असं लेंदे रहे 2008-09-10। लेकिन जिमें जिमें इसका टाइम बदला, मौसमी हालात चेंज हो, सारा सिनेरियो बदल गया, ढक्कन रुक गया, सारा हिसाब किताब बदला, वाइट फ्लाई का प्रेशर बढ़ गया, हर मौसम हर कीड़ा आ जाता। उस टाइम यह नहीं होता शुरू में वाइट फ्लाई आँदी है या थ्रिप्स आँदी है, सबस दिला एंड पर आता अं कहीं नहीं होया कि सबस दिला भी आ गया तो वाइट फ्लाई भी एक टाइम में आ गए। ये मौसम की तब्दीली की वजह नाल जिहड़ियां बीमारियां या जिहड़े सिस्टम आए हुए हैं इन्हों आप प्रॉपर मैनेजमेंट नाल इन्हों कवर कर सकते हैं। वरायटी के इंतखाब तो बाद आप अगर चलीए कि आप मैनेजमेंट किमें करना है जी, जर्मीनेशन के हवाले नाल ते पौधों की स्पेसिंग, जिहड़ी पौधा की स्पेसिंग है ना जी कि पौधा तुम्हें कितने रखना। असी सब लोग इस गल से मुतफिक हुए हैं कि हाई डेंसिटी का एक इशू ही अलग है, वो जो बंदा करना चाहता है जी बिस्मिल्लाह वो करो, उनकी तो स्पेसिंग एक अलग है कि प्लांट टू प्लांट की हो, खेल टू खेल की हो। लेकिन जिस बंदे आम अमूमन नॉर्मल कपाह काश कर ली है ना जी, वो प्लांट पॉपुलेशन बड़ा मद्देनजर रखिए। वो ये ना कह रहे कि बस अखी नूर से गेट से लाई जाओ तो 4-4 दाने तो फिर छिदड़ाए भी नहीं, या ड्रिल की है तो कोई प्रॉपर मुनासिब नहीं कि बस रेजर मारो तो बस काम नहीं। उनका एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, प्रॉपर उनका मुनासिब तरीकाकार होना चाहिए। अगर तुम बैड से जाते पैने तो 2.5 फुट होना चाहिए, 30 इंच होना चाहिए, 32 इंच से जा सकते हैं, 33 तो जा सकते हैं, लेकिन 30 तो काम ना जाओ। अगर तुम 30 तो काम जाओ तो ट्रैक्टर भी नहीं टुरना, तुम अजाब ना, तो उत्तर ट्रैक्टर टुरना ना थले, ना तुम स्प्रे कर सकते, ना रेजर मार सकते, ना कोई इशू, सब तुम मुकम्मल ही हाथ पैर बन के बह गए। प्रॉपर स्पेसिंग दा स्पेसिंग असी लफ्ज आखने कि पौधे तो पौधे तो खेल तो खेल का जो फासला है जी, इनू जिस तुम प्रॉपर कर सो उस असल गल बननी है। 30 कर लो, 32 कर लो, 33 कर लो, 30 उनका स्टैंडर्ड है। अच्छा जी उस तो बाद आ गया जी पौधे तो पौधा, यह है जी थोड़ी हिम्मत।
ਤੁਸੀਂ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪੌਦਾ 9 ਇੰਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ 12 ਵੀ 15 ਵੀ 18 ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ 18 ਇੰਚ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਦੇ ਵੀ ਹਵਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਦੇ ਵੀ ਹਵਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇ ਅਗਰ ਹਵਾ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਆਏ ਬਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਾਇਫੈਂਥੁਰਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟੋ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 30 ਇੰਚ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 32 ਇੰਚ 33 ਇੰਚ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 18 ਇੰਚ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ 18 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 15 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ 15 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਲੋਕ 9 ਤੇ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 8 ਤੇ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਘਣੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੇਠੂ ਸਾਰਾ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਬਜ਼ ਦੇਲਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲਾਸ ਹੋ ਇਹਦੀ ਹੋ ਸੀ ਸਪੇਸ ਹੀ ਹੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਐਂ ਕਰੋਸ ਹੋ ਸੀ ਐਂ ਕਰੋਸ ਹੋ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸੀ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਤਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਆਖਰੀ ਪੱਤਾ ਵੀ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸੀ ਆਪ ਉਸਕਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇਂਗੇ ਏਟੀਐਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ ਏਟੀਐਲ ਨੀਚੇ ਲਾਏਗੇ ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੜੇਗੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇਂਗੇ ਫਿਰ ਬੜੇਗੇ ਇਹ ਆਪਕੇ ਨਾ ਜੀ ਜੋ ਝਿੰਗਾ ਮੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਰ ਜੀ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦਾ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਸਪੈਲ ਆਉਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖਿਨੂਟ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾ ਵੀ ਸਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡਾਲਰ ਸਰ 207-8 ਰੁਪਏ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਜੀ ਮੋਮੈਂਟੋ 1200 ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ 1800 ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ DAP 13,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਟਨ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਸਕਿਪ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਜੀ 50 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ 50 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿ 50 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 50 ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 56 ਮਨ ਔਸਤ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਜਾ ਬਚਿਆ 56 ਮਨ ਔਸਤ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਜਾ ਬਚਿਆ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਸੋ ਫਿਰ ਬਚਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 30 ਮਨ ਲਵਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜ਼ੇਨ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 30 ਲਵਣਾ ਹੈ 35 ਲਵਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲਵਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 90 ਹੀ ਲਵਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 90 ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰ ਉਹ 121 ਆ ਫਿਰ 803 ਇੱਕ ਵਰਾਇਟੀ ਆਈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੋਲਗੜ 1-2 ਆਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ BT ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੌਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚੁਣੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਤੇ ਨਰਮਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੱਭੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਾਇਟੀ 'ਚ ਲੱਭੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਵੱਈਏ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30 ਮਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਵੇ 30 ਵਾਲੀ 35 ਹੋ ਜਾਵੇ 35 ਵਾਲੀ 40 ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ 30 ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕਰੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ਲ DAP ਯੂਰੀਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ
सर जी इस महंगाई का जो सिनेरियो है या जो महंगाई का इशू चल रही है, इस महंगाई के जो बंदा 30 मन ले लवे तो पूरे जो पैसों के ले लवे, मेरे ख्याल वो सिकंदर है, वो जीत गया। साइड के हवाले तो सारे लोग जानते ही हैं कि असी इन्हों किमें खुराक देनी है। बेसिकली सर बैलेंस खुराक जी है NPK, आप जरफेस की शक्ल इस दे लीए या आप नाइट्रोफास पोटैश का थोड़ा पोर्शन या नाइट्रेट की शक्ल है या यूरिया ऐड करके अगर दे लीए तो ठीक है। अगर आप करिए कि जी ए साड़ी फसल खलोती है, इनू एक बोरी यूरिया दो बोरिया नाइट्रेट लुड़ा दियो, ऐ जी साड़ी फसल खलोती है अद्धी यूरिया एक बोरी नाइट्रेट लुड़ा दियो, ये इंतहाई इनबैलेंस तरीकाकार है। इनका तरीकाकार है कि अगर तुसी वेखते हैं कि किसी कॉन्टेंट की तुहानू ज़्यादा जरूरत है, नाइट्रोजन की तुहानू ज़्यादा जरूरत है, ठीक है तुसी नाइट्रोजन बता दियो, पोटाश की तुहानू घट जरूरत है तुसी पोटाश थोड़ी कम कर लो, लेकिन दियो जरूर अपनी गल इतनी मतलब शायद लंबी हो जाए या फास्फोरिक एसिड अगर तो तुम ले सौ 75% तो मैगनेशियम सल्फेट के ट्रीट करना पौसी नाइट्रोजन ट्रीट करना, अगर तुम उन्होंने ट्रीट किए बगैर पास हो तो किसी काम का नहीं। अगर तुम उन्होंने ले सौ 85% ठीक है फिर उनका फायदा, लेकिन 85% अज 21,000 रुपए के लमसम 35 किलो का लगता पी है, 20,400-600 के लमसम लगता पी है, 75% 11,000 के करीब लगता पी है, वो इस साल बेहतर है तुम 75% नाइट्रोजन मैगनेशियम थोड़ी बहुत ट्रीट कर लो वो भी बेहतर है। वो सोर्स तुम बिल्कुल बहुत अच्छी की है, सारे दोस्त सुनते पे, हाफिज साहब भी इन बड़ा पसंद करते हैं, असी भी इन करने हैं, मेरी आदि भी असी फास्फोरिक एसिड की ट्रीटमेंट की, वह पीएच लेवल भी बहुत अच्छा जी हाँ बिल्कुल वो भी ठीक है। कोई शैला बन जाओ दुकान तो आप आखिए जी असी मक्खी का स्प्रे लवना तो नाल एक बोतल दे देंगे आंदे ना जरूर दें, आप अगर ट्रायल से फसल लवन जाए तो आंदे जी एक नाल बोतल है। कंपनियां की जितनी भी मार्केटिंग इस टाइम है ना जी वो माइक्रो न्यूट्रिएंट इच्चों पैसा कमा रहे हैं, कंपनियां आप इस गल नूं क्लेम कर रही हैं कि असी बाकी सारा प्रॉफिट नो लॉस इच्चों कम लै रहे हैं तो सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से साडा जिहड़ा है वो कम चल रही है। वो असी तो उन्होंने कोई खास स्पैशल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स असी प्रेफर नहीं करने, इस्तेमाल जी बिल्कुल जरूर करने तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाफिज साहब और उत्थे भी एक ब्रीफ दिता कि तुहाडे जिहड़े रूट हेयर खराब हो जाते हैं उन्होंने जिस तुसी पी का यूज़ करते हैं उत्ते स्प्रे पी करते हैं फॉसफोरस का जेड़ा फॉसफोरस। अच्छा ये सर ना जी सवाल का मैं बार बार जिक्र ता करना कि इन्हों को जितना भी फोलियर है ना जी वो 1 माइक्रोन तो घट है, 1 माइक्रोन वो है कि जो बिल्कुल आप नज़र भी नहीं आ सकता, माइक्रोस्कोपी के लिए नज़र नहीं आ सकता, वो पौधे के जो मिसाम है उन्हें अंदर चला जाता नाल वो असी तां उन्हें ज़्यादा प्रैफर करते हैं। आम जड़े यूरिया घोल मोल तो सिलसिला कार चलता पिया उनके हिसाब से। अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो आप अगे चले गए उस तो बाद आप आ गया जी कि पिकिंग के हवाले नाल या बॉल के हवाले नाल या शेडिंग किमें रोकी जा सकती है, ये शेडिंग अजकल एक एलीमेंट है, सब दोस्त इस गल पर थोड़ा जहा गौर करें, एक एलीमेंट है आप कैल्शियम आखने अपनी जमीनों के अगे ऐलान करता महकमा ज़रात कि यह बड़ा अबंडेंट बहुत ज़्यादा कैल्शियम अपनी जमीन मौजूद है, इनकी जरूरत कोई नहीं है, तो तुम कैल्शियम क्लोराइड्स वगैरह जमीन के कलर शलर की वजह भी इशू आता तो लोग आखते हैं कि जी ये कलर की वजह तो कैल्शियम एग्जैक्टली आखा जाता कि जी ये कलर का मुआजिब है तो लोग उस तो बड़ा खाइफ करते हैं। जमीन के कैल्शियम जिस आप कैन के वगैरह पाने तो ना कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अच्छा आप जिस DAP पिछली बार जी रेट बताया ना जी तो काफ़ी सारे जो पुराने जिम्मेदार आते हैं DAP ना पाओ DAP जा रहे नाइट्रेट पा लो नाइट्रेट वो कम कर दी। अच्छा बड़ा मजाक उड़ाया गया कि जी नाइट्रेट वो कम नहीं कर सकती, DAP कितने उनका फास्फोरस सारा सिलसिला कह रहे नाइट्रेट नहीं कर सकती। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता जिम्मे जिम्मे प्रैक्टिस गुजरा वो यही समझ आया कि जो आप 26 किलो नाइट्रोजन में जो कैल्शियम है ना वो जो कैल्शियम है वो तुहाड़े फास्फोरस की कमी तो पूरी नहीं करता लेकिन बॉडी बिल्डिंग जी है ना जी तुहाड़े पौधे की बिल्डिंग जी मटीरियल चाहिए हुण आपां आने जी वाल्डां दे पैनों कैल्शियम देंगे अपने वालों को रोकने वास्ते कैल्शियम फॉसफोरस चाहिए अपन हड्डिया मजबूत करने वास्ते कैल्शियम से फॉसफोरस चाहिए दोवें प्रोडक्ट चाहिए ठीक है। आपको फॉसफोरस महंगा आप कैल्शियम यूज़ करने हैं वो काफ़ी हद तक कर देंगे कैल्शियम आपको कैल्शियम की गोलियां तुम वेखो सवानिया प्रैगनेंसी होंगी है कैल्शियम दिता जाता है कैल्शियम एक बहुत बहुत मेजर कॉम्पीनेंट है हर फसल के हवाले ना लेकिन इनू बिल्कुल इग्नोर कर दिता गया महकमे ज़रात की तरफ कि कैल्शियम बिल्कुल इग्नोर ना करो। अजकल कैल्शियम दे काफ़ी अच्छी सोर्सिज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की शक्ल चाहिए थले तो ता नहीं पाने के कलर ना हो जाए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 10% 8% वाला कैल्शियम पाओ तो इंशाल्लाह ताला
जितनी शेडिंग हो रही है 33 to 40% उस टाइम शेडिंग हो रही है।